नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बोकारो के बालीडीही थाना क्षेत्र में ग्रामीणों के हाथों पकड़े गए चोरी का आरोपी कालीचरण केवट, जिसकी उम्र 25 वर्ष, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। कालीचरण नशे की हालत में स्कूल के बरामदे पर बैठा हुआ था। इसी बीच ग्रामीणों ने उसे चोर बोलकर उसके साथ जमकर मारपीट की, फिर पुलिस के हाथों उसे सौंप दिया गया। पुलिस ने भी थाने में लाकर उसे खूब मारा। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी के साथ किसी ने भी मारपीट नहीं की है। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात 8:30 बजे गरिया घुट्टू स्कूल में चोरी के आरोप में मृतक काली व संजय कुमार सिंह को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। दोनों युवक नशे में धुत थे। दोनों को पुलिस थाना ले गई। स्कूल के प्राचार्य अहिल्या देवी के लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दोनों को इलाज के लिए रात 10 बजे जैना मोड रेफरल अस्पताल में पहुंची। दोनों की गंभीर स्थिति व आसपास में चल रहे बांध्यकरण ऑपरेशन के कारण सदर रेफर कर दिया गया। इसके बाद बालीडीही पुलिस देर रात 3 सदर लेकर पहुंची, जहां दोनों को भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। इलाज के क्रम में शनिवार सुबह 9 बजे काली ने दम तोड़ दिया। खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। इसके बाद परिजन, समर्थक व स्थानीय नेताओं का थाने में जमावड़ा लग गया। पुलिस मुर्दाबाद के नारों के साथ मुआवजे की मांग पर शनिवार शाम बोकारो रामगढ़ हाईवे को 1 घंटे तक जाम कर दिए। लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने जाम हटाया। मृतक के पिता बुद्धू केवट ने बताया कि उनका बेटा रात में घर नहीं लौटा। पुलिस ने भी रात में घटना की जानकारी नहीं दी। वहीं सुबह अचानक पता चला कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। इधर उधर पता करने पर यह बात सामने आई कि उसे स्कूल में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया। नमस्कार।